कल भी मैंने कहा था, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको सोचना चाहिए कि देवराज इंद्र भी मुझे दबा नहीं सकते, वो मुझे अनुगत बना के दबा करके सांस लें संभव नहीं है। उनको पद पर रहना है, उड़ीसा को ठीक से चलाना है, तो मठ के प्रति जो उनका दायित्व तो उसका निर्वाह करें, हमको तंग करने का प्रयास न करें, उनकी सहमति न होती तो यहाँ के पदाधिकारी इस प्रकार का प्रमाद का परिचय नहीं देते। समझ गए, मुझसे टकराने वाले कौन थे? नरसिंह राव। कहाँ गया उनका शासन पता नहीं। मुझसे टकराने वाले जानकी वल्लभ पटनायक का शासन कहाँ गया पता नहीं। मुझसे टकराने वाले ज्योतिर्वसु का शासन कहाँ गया पता नहीं। इसलिए हमसे टकराने का प्रयास न करें मुख्यमंत्री, अपने ऊपर कृपा करके मठ के प्रति उनका दायित्व उसका निर्वाह करें, तंग करना छोड़ें और मानवता का परिचय दें। अधिकारियों को उन्होंने नियुक्त किया है, उनको अगर उन्होंने कहा कि पुरी के शंकराचार्य उनके मठ को दिशाहीन करने का प्रयास करें, करो तो समझ लेना चाहिए वो दिशाहीन हो जाएंगे। यहाँ कोई भी शक्ति विश्व में नहीं है जो यहाँ पर दबोच सके। गोवर्धन मठ नाम है। पहली बात यह है, कोई मुख्यमंत्री उड़ीसा में ऐसा नहीं हुआ जिसको एक गर्व हो कि चार पीठ में एक आमनाई पीठ भगवान शंकराचार्य महाराज ने उड़ीसा में प्रतिष्ठित किया। वो चाहते तो आसाम में कर सकते थे, गुवाहाटी इत्यादि क्षेत्र में कर सकते थे। ऋग्वेद से संबद्ध यह पीठ है। हमारी गुरु परंपरा जो है 1,97,29,49,124 वर्षों की है, उसे कोई फूक मार के उड़ा दे संभव नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री अपने दूत भूतों को संभालें, मठ के प्रति पड़ोसी या बाहर के व्यक्ति जो भी अन्याय करते हैं उनका दमन करें। अगर पद पर रहना हो तो चंडी चेट गई तो पूरे उड़ीसा का शासन मिट्टी में मिला दूंगा।